आईपीपी और तहरीक इंसाफ का इत्तेहाद। बैरिस्टर गौहर को पीटीआई मुबारक हो। अलीम खान ने इमरान खान के हवाले से बड़ा दावा कर दिया। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अलीम खान का कहना था कि जो भी जमात इत्तेहाद करना चाहती है हमसे आकर बात करे, हमारे दरवाजे हर किसी के लिए खुले हैं। सवाल किया गया कि क्या पीडीआई के लिए भी ये दरवाजे खुले हैं। अलीम खान ने जवाब दिया कि मुझे ये अभी तो नहीं पता कि बात किससे करनी है। आज जो पीडीआई के चेयरमैन हैं उनसे तो मैं कभी नहीं मिला। मैं पीडीआई में 2010 से 2022 तक था, इन साहब को मैंने कभी नहीं देखा। बैरिस्टर गौहर उस वक्त शायद पीपल्स पार्टी में थे और मेरा पीपल्स पार्टी वालों से कोई ताल्लुक नहीं था, तो वो 14 साल पीपल्स पार्टी में थे और हम 14 साल पीडीआई में थे। आज वो चेयरमैन है। बैरिस्टर गौहर को पीटीआई मुबारक हो और पीटीआई को बैरिस्टर गौहर मुबारक हो। अलीम खान ने कहा कि पीटीआई वालों के साथ इत्तेहाद करने का हमारा कोई इरादा नहीं है, खास तौर पर 9 मई को जो कुछ उन्होंने कर दिया है उसके बाद तो इत्तेहाद का सवाल ही नहीं पैदा होता। पीटीआई का शुमार उन जमातों में होता है जो पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ है। इमरान खान के मुस्तकबिल के हवाले से अलीम खान ने कहा कि वो अपने खिलाफ केसेस का सामना करें। उनको बहुत शौक था पूरी दुनिया को जेल के अंदर भेजने का, आज उनका वक्त आया है। ये मकाफाते अमल है। जनरल फैज के साथ मिलकर दोबारा हुकूमत में आने के बाद उनका जिन लोगों को जेल में डालने का प्लान था आज वो सारे बाहर हैं और इमरान खान खुद जेल में है और ये अल्लाह का निजाम है।